वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। Realme has launched another classy phone जिसका नाम है Realme 5 with quad camera setup and 5000 mAh battery with Qualcomm Snapdragon 665. Such an amazing gaming efficient processor. इतने specifications होने के बाद this is totally a budget king phone और इसके base variant के price सिर्फ 24,000 rupees है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज AWESAMO स्पीकिंग। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ किस्म के कैब राइड्स की, कैब पैसेंजर्स की और बजाते खुद कैब सर्विसेज की। आजकल के सारे बेरोजगार जो पहले कॉल सेंटरों में जॉब करते थे, अब उबैद और कालीन चलाने लग गए। कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिस वजह से हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले सकते। अगर तो आपका जिंदगी में कभी भी इन कैब सर्विसेज का तजुर्बा रहा है तो पहला मसला जो मत्थे लगता है वो है लोकेशन कंफ्यूजन। पिंग लोकेशन होने के बावजूद भी वो कप्तान साहब आपको कॉल करके जरूर पूछेंगे, हाँ सर कहाँ है। ऐसा कैप्टन मिल गया तो फिर बेड़ा ही गर्क है, क्योंकि ये कैप्टन गायब के तुषार कपूर की तरह जो नजर ही नहीं आता। आप बुलाते हो 8 नंबर गली में, ये 8 किलोमीटर दूर होके आपसे कहता है कि मैं पहुंच गया। आधा घंटा पिंग लोकेशन को डिकोड करने के बाद फिर कप्तान को पता चलते कि भाई लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए बाबा। थोड़ी देर बाद फिर इनकी कॉल आ जाती है, हाँ सर इधर मैं पहुंच गया हूँ, आप कहाँ खड़े हैं। भाईजान मैं भी इधर ही खड़ा हूँ, आप तो मुझे कहीं नजर आ ही नहीं रहे। ये डिपर दे रहा हूँ मैं, देखिए जरा डिपर। आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हुए हैं, मुझे कोई निशानी बता दे, कोई दुकान वगैरह। ये सारा ब्यूटी पार्लर के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ मैं सर, इधर कोई समो टेली कम्युनिकेशन इजी लोड की दुकान भी है, कुत्ता जा रहा है, लूसी कुत्ता जा रहा है, उसकी पूंछ कटी हुई है। अच्छा अच्छा हाँ सही है, बस आप कुत्ते के साथ बैठ जाए, मैं आ रहा हूँ। ये पूरी कन्वर्सेशन को अगर लिखा जाए तो हैरी पुत्तर से ज्यादा एक मोटी किताब बन जाएगी। फिर किसी तरह कार के आपका कैप्टन आप तक आखिरकार पहुंच ही जाता है। इनमें से कुछ कैप्टन की शक्ल पुराने 50 रुपए के नोट वाली होती है, वो पुराने लोग मतलब जिन्होंने पूरी जिंदगी ड्राइवरी की है, ड्राइविंग नहीं ड्राइवरी। ये वाले बाबे तो कभी मैप को फॉलो करते ही नहीं। राइड आपकी शुरू हो जाती है, आप जल्दी पहुंचने के लिए भाई साहब को बताते हो सर बस इसी रोड से सीधा चलते रहे। नहीं नहीं भाई जान, हम राइड से जाएंगे क्योंकि असल चीज तो वहाँ पे, वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है जरा। चाचा जी गूगल बता रहे वहाँ पे ट्रैफिक जैम है, सीधा चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे भाई साहब मैं हूँ। एक और पेचीदा केस तब होता है जब आपका घर किसी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे रात को 9 बजे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ जाता है, जैसे कि बेरिया टाउन। तो बेटा भूल जाओ, वहाँ पे कोई कैप्टन आपको छोड़ने नहीं जाएगा क्योंकि उनको वापसी की राइड मिलती नहीं। ये आपने राइड बुक की, लोकेशन आपने लगाई बेरिया टाउन, टिंग थोड़ी देर बाद आपको कॉल आ जाएगी। हाँ सर कहाँ जाना है सर। सर बेरिया टाउन जाना। नहीं वहाँ तो मैं जा ही नहीं रहा। नहीं तो आप नहीं ना जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ ना, मेरा वहाँ खानदान है, मेरा घर है वहाँ पे। नहीं सर सॉरी सर, बस आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये आखिरी राइड है, मैं बस घर जा रहा हूँ। यार मैं क्यों कैंसिल करूँ, आप ही फिर कैंसिल कर दो, मुझे पैसे पड़ जाएंगे उल्टा। नहीं 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 सर टेंशन नहीं लें, अभी टाइम पड़ा हुआ है, टाइम बहुत पड़ा हुआ है, आप कैंसिल कर दीजिए, आप कोई और राइड देख लीजिए। इधर से किया आपने राइड कैंसिल और उधर से आ गया कंपनी का मैसेज, जानिए वो 150 रुपए लिए थे तुमने मुझसे तो वो फिर बाद में वापस कर देना। तब आपको पता लगता है कि आपके साथ तो धोखा हो चुका है, यकीन मानो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगते हैं, बंदा एक्सप्लॉइटेड फील करता है। दुनिया में इतने ज्यादा लोग हैं, मेरा पैदा होना जरूरी तो नहीं था। इसी तरह जब आपकी कोई 5 राइड्स बेरिया टाउन की कैंसिल होती है तो छठी बुक करने के बाद आप खुद कैप्टन को कॉल करते हो कि भाई मैंने बेरिया टाउन जाना है, तो अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मुझे पहुंचा दोगे। तो कभी ना कभी कोई एक मसीहा मिल ही जाता है जो आपको पहुंचा देता है। फिर इन कंपनियों ने आजकल बाइक्स भी चलाना शुरू कर दिए, उस बाइक राइडर को ढूंढना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि इतना रंगीन हेलमेट कोई कंपनी बनाती नहीं। हेलमेट से याद आया कि देखो मेरे भाइयों, हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। वैसे बाइक वालों का अच्छा सीन है, वो आपकी तंग गलियों में घुस के आप तक आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। अब बात करेंगे उन कप्तानों की जो सफर के दौरान बातें बहुत करते, गप्पे बहुत मारते, बिना कहे खुद ही से अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कर देंगे। ये तो सब मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, वैसे मैं बैंक में मैनेजर हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे। मुझे क्यों बता रहे हो भाई कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और मैंने कौन सा तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फीस की जिम्मेदारी ले लेनी है। साथ साथ चलते चलते इतनी कोई गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको लोड करते जाएंगे। वो जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो उसमें मेरे दोस्त के भाई के ताए के फुफड़ का बेटा नौकरी करता है, काफी अच्छी तनख्वाह है। तो मैं क्या नाचू मैं। ये बात वैसे भी मैं 3 मिनट में भूलने वाला हूँ, मैंने कौन सा उसकी प्रमोशन लगा देनी है। कुछ ना बचा तो पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे, महंगाई बहुत बढ़ गई है आपको नहीं लगता। प्रो टिप ये है कि आप उसकी सारी बातों के साथ साथ नॉड अलाउंग करते जाओ। अच्छा अच्छा, और साथ में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करनी है तो बोल दो, वैसे ये सारे चोर है। ये तो है, वो जो कायदे आजम ने पाकिस्तान सोचा था ना, वैसा पाकिस्तान नहीं हो सकता। हाँ कायद का पाकिस्तान तो बहुत ही टैट था, खा गए मुल्क को सारे। इन्हीं बातों में आपका सफर कट रहा है और आप भी साथ साथ हाँ हाँ करते जा रहे हो, और अचानक चाचा जी पूरे वतन का वजन आपके सर के ऊपर रख देंगे। वैसे तुम हमारे वतन के नौजवान हो, इकबाल के शाहीन हो,
तुमने क्या सोचा इस वतन को सही करने का? बड़ा चाचा, मैं अपनी गुचू मुचू हैंड फ्री को नहीं सही कर सकता, मैं पूरा वतन कैसे सही कर सकता हूँ? चाचा जी, मेरी अटेंडेंस 75% से कम हो रही है, मैं क्या पुट लूंगा? यकीन करो, ये वाले कैप्टन इतना सर खाते के बंदा कहता है कि भाई मैं माता जो लूं, जो इसमें आया। और अगर आप कुछ नहीं बोल रहे, आप अपनी जगह पे चुप करके बैठे हो कि भाई अभी आ जाएगी मंजिल, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो अंकल जी खुद ही शुरुआत कर देंगे। बड़े चुप चुप बैठे हो बेटा, आपको मसला तो नहीं? नहीं तो क्या करूं, लूडो खेल लूं आपके साथ? अब बात करेंगे पुंडर चाचों की। देखो, इन गाड़ियों में लड़कियां तो अक्सर पीछे बैठती हैं, तो पुंडर चाचा सामने रोड देखने के बजाय सामने वाले मिरर से वादियां देखने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। ये नजरों से हमला करने वाले चाचे लेकिन एक फेवर तो उनको जरूर दे देते हैं कि उनको प्रॉपर पिन लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं, लेकिन लॉन्डो के केस में ये नहीं होता। सर ये बस गली में थोड़ा सा अंदर जाके छोड़ देना। अंदर नहीं ना जा सकते, वो देखिए रोड पे 3 साइकिलें साइड पे लगी हुई है, रश बहुत ज्यादा है, फंस जाएंगे, अब यहाँ उतर जाए। फिर कोई तो ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पास खुल्ला कभी नहीं होता, उनके अंदर की इविल इंटेंशन तो यही होती है कि आप कह दो कि कीप द चेंज, लेकिन मेरे जैसे ढीठ लोग ये तो करने वाले नहीं, तो फिर उस खुल्ला कराने के चक्कर में आधा पाकिस्तान फिर से घूमो। क्योंकि सीधी सी बात है यार, खुल्ला कौन देता है? खुल्ला कौन देता? खुल्ला में कुछ देने वाली चीज है? और ये 5,000 का नोट तो इतना कोई लांती नोट है कि किसी के पास इसका खुल्ला होता ही नहीं। जब तक आप किसी पेट्रोल पंप पे जाके अपनी टंकी ना भरवा दें, ये नहीं टूटेगा। बहुत जलील होने के बाद अगर आपको खुल्ला भी ना मिले तो एक ही चीज बच जाती है कि भाई ऐड करते हैं फिर। यही थे वैसे तो मेरे पास, लेकिन इनको ऐड कर दें। सही है, अभी तो आप सारे पैसे अपने एप्लीकेशन के वॉलेट में ऐड करवा देते हो, फिर जब आप नेक्स्ट राइड लेते हो और नेक्स्ट वाले कैप्टन को आप पे नहीं करते क्योंकि वो पैसे तो आपके वॉलेट से कट जाते, यकीन मानो उस कैप्टन के घुंघरू जल के सड़ कर राख हो जाते। भाई अल्लाह दे कसम वाली गल है, ये जो आपके वॉलेट से पैसे कट जाते हैं, इनमें से हमें कुछ भी नहीं मिलता, ऊपर से इतने ज्यादा डिस्काउंट्स आ रहे हैं आजकल, यकीन मानो हम तो खसारे में जा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो हमें दे दें, फिर मैं ऐड कर दूंगा। एंड दिस विशियस साइकिल कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन। कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो एसी नहीं चलाते, हालांकि आपने राइड वही बुक करवाई होती है जिस पे लिखा होता है कि मुनासिब रकम के साथ एसी वाली सवारी। सॉरी सर, ये एसी खराब चल रहा है। एसी नहीं सर जी, मेरी किस्मत खराब चल रही है। अच्छा, तो आपका टाकरा अब ऐसे कैप्टनों के साथ भी जरूर हुआ होगा जो... तो हर वक्त फोन पे किसी और के साथ बात कर रहे होते। हाँ, ये अभी इकबाल टा...